हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, जैसे कि मैं भी आज बहुत खुश थी। पहले मैंने सोचा था आज कुछ व्लॉग बनाने का ऐसा मेरा मूड नहीं था, और मेरी एक नेल में इसलिए नेल पेंट है क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे क्या साड़ी के साथ जो लगानी हो वो कलर मैच हो रहा है कि नहीं, तो इस वजह से। तो मैं ये कह रही थी कि पहले मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं करूँगी, बट अचानक से कुछ ऐसा सरप्राइज़ मिला तो मैंने सोचा मैं इतनी खुश हो गई, तो आई थॉट कि हमें व्लॉग आज करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। और जो तेजस भी हैं वो हमेशा की तरह बहुत कस के अभी रोए थे, और अभी तेजस भी हेलो बोलने नहीं आएंगे। हेलो बोलोगे तेजस? हेलो बोलोगे तेजस? हेलो बोल दो तेजस, हेलो बोल दो भाई। ये क्वेश्चन कौन फेंका है सारे? तेजस ये कौन फेंका है? आपने? तो तेजस ने जैसे कि फैला के रखा हुआ था पूरा, वो फैला हुआ था, वो आ रहे हैं तेजस। ओ हाय कर दो। हाय। नहीं गाई है तेजस से सिंग कि नहीं गाई है? वाओ तेजस, आप रोई रोई कर रहे थे। ओ गुड जॉब कर दो, लव यू कर दो, लव यू कर दो। ओ तो मैं ये कह रही थी कि चलिए पहले कि मुझे एक अच्छा सा सरप्राइज मिला तो मैं बहुत खुश हो गई थी। तेजस के टॉयज हर जगह पड़े रहते, तो वही मैंने बहुत अच्छा सरप्राइज मिला, फिर मैंने सोचा कि चलो सरप्राइज तो अच्छा मिल गया, मूड अच्छा हो गया, तो व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, तो फिर इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मुझे क्या सरप्राइज मिला जिस वजह से मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई हूँ। उससे पहले मैं आपको बाहर दिखाती हूँ बाहर का कैसा मौसम है आजकल बैंगलोर में। उफ इतना ट्रैफिक, क्या हुआ? व्हाट आर यू डूइंग? ओ वाओ बेबी, ये क्या कर रहे? बाय। तो बैंगलोर में इतना ट्रैफिक है आपको मैं बताऊं, मेरे हस्बैंड 10:30 आज निकले थे ऑफिस में, और उनको ऑफिस पहुंचते पहुंचते आपको पता है कितना बज गया? आज वो 10:30 निकले थे, उनको ऑफिस यहाँ से 17 किलोमीटर है। तो बैंगलोर में 17-18 उतना मैटर नहीं करता, तो पर उन्हें आज 17 किलोमीटर जाने में आज वो पहुँचे 2:45 ऑफिस। 10:30 के निकले वो 2:45 ऑफिस पहुँचे, इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था। तो वही था बस। तो चलिए मैं बाहर दिखाती हूँ आपको, फिर उसके बाद बातें आगे करते हैं। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। हाँ बेबी, ये आप क्या कर रहे हैं? गाय लेके अंदर चलिए, गो बैक, वापस जाओ, अंदर जाओ, गाय लेके नहीं आते यहाँ पे, चुट्टू लग जाएगी। तेजस नो, ओपन नहीं क्लोज करना है, अप एंड हटो, उधर नहीं जाना। तो मैं दिखा रही थी ये मौसम देखिए यहाँ का, ये वो हमारे घर के बगल में एक और कोई बिल्डर है, उनकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे, वो भी बन रही है, तो ये है। और वो दूर दूर देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पे पूरा पहाड़ है उस एरिया में, वो देखिए दूर से दिख रहा होगा, यहाँ पे भी, यहाँ भी दूर से दिख रहा है एकदम लाइट, वो पूरे पहाड़ हैं, जब बारिश होती है तो क्लियर दिखते हैं पूरे के पूरे। हेलो, ओ ओ ओ ओ ओ। और अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि क्या बात है। जैसे कि करवा चौथ आ रहा है, तो करवा चौथ में हम सभी लेडीज़ का होता है ना कि बहुत एक्साइटेड रहते हैं, कौन सी साड़ी पहनेंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। तो इसीलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ करवा चौथ में, जो मैंने सोचा है मैंने ली है अभी इस बार, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो ये साड़ी है, ये साड़ी मैं इस बार पहनने वाली हूँ। तो इसका ये ब्लाउज पीस है, इसका ब्लाउज बहुत अच्छा बना है, ये इसका बैक का डिज़ाइन है, ये ऐसे बटन्स वाला। हाँ थैंक यू बेबी, तेजस ने फैन ऑन कर दिया। तो ये है इसका डिज़ाइन, जैसे तो
ये डिज़ाइन है इसका, ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। अब जो मेन बात की मैं किस लिए इतनी खुश हूँ, जैसे साड़ी पहनेंगे तो साड़ी के साथ मैंने सोचा था कि मैं कान में हाथ में चूड़ियाँ और कान में क्या पहनूंगी, जैसे चूड़ियाँ पहन ली, चूड़ियाँ तो सेट के साथ की होती हैं, और उसके साथ मैंने सोचा था मैं क्या पहनूंगी, मैं यही सोच रही थी क्या पहनूंगी। उसके बाद आज मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने मुझे बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया, जिसको देख के मैं इतनी खुश हो गई। आज इन द सेंस कल यस्टरडे नाइट वो एक सरप्राइज़ लेके आए, जो कि मैं इतनी लेट हो गई थी कि उस समय मैंने नहीं ट्राई किया था, नहीं हो पा रहा था, तो अब मैंने वो ट्राई किया, वो चीज़ मुझे हो जा रही है, वो अच्छे से मैं वेयर कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या चीज़ है जो कि मैं मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट मिला अपने हस्बैंड से, जो कि इतना पसंद आया मुझे, इतना पसंद आया कि आई कांट टेल यू, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ पहले, फिर बाकी बात। वो है ये, इसको आप देख के समझ गए होंगे, मोस्ट ऑफ द जो लेडीज हैं वो समझ ही गई होंगी कि क्या हो सकता है, लेडीज़ क्यों इतनी खुश हो जाती हैं। वैसे मैं इतना गोल्ड वगैरह वेयर नहीं करती हूँ, बट हाँ कभी कभी, तो उन्होंने मुझे दिया है ये, भीमा ज्वेलर्स है यहाँ बैंगलोर में, जो भी रहता होगा या जानता होगा तो यहाँ का बहुत रिनाउंड है, तो वहीं से उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है ये। कितनी सुंदर है ना, ये झुमकियाँ हैं कान में पहनने की, जिसको मैं पास से आपको दिखाती हूँ, देखिए फोकस नहीं हो पा रहा है, पर ये बड़ी सुंदर है और मुझे बहुत दिन से ऐसी झुमकियाँ चाहिए भी थी, कि बहुत अच्छी लगती है ये झुमकियाँ, सूट पे भी, कुर्ती पे भी चल जाती है, साड़ी पे भी अच्छी लगती है, तो ऐसी मेरे पास थी नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे ला के दी, तो मुझे बहुत 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 पसंद आया। और कल क्या प्रॉब्लम हो गई थी मैं आपको बताती हूँ, तेजस इधर आके बैठो। तो कल क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि कल मैं ये पहन रही थी क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब मैं स्टार्टिंग से छोटी बाली कान में पहनती थी, जैसे जब मेरा कान शादी से पहले मैं बाली पहनती थी छोटी छोटी जो होती है, उसके बाद भी मैं उतना ज़्यादा बड़ा कुछ कान में पहनती नहीं थी, तो ये था कि मेरे जो कान के होल्स हैं वो बहुत ही छोटे थे, बहुत छोटे छोटे हैं, तो कल रात में एक मिनट तेजस के पास, तो वो बाली जो थी वो होल मेरे कान का बहुत ही छोटा छोटा था, तो उसमें वो बाली ये मतलब ये झुमकी अंदर, तेजस व्हाट आर यू डूइंग बेबी, तो वो बाली अंदर, ये झुमकी अंदर नहीं जा रही थी। फिर उसके बाद हमारे एक फ्रेंड रहते हैं, उन्होंने बोला कि मतलब बहुत ट्राई किया, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई कि बताओ इन्होंने इतना अच्छा गिफ्ट दिया और मैं पहन नहीं पा रही हूँ। फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने किसी में, उसी में एक फ्रेंड था, उसने बोला कि एक काम करो, वो जो अगरबत्ती होती है उसकी सीक जो होती है उसको डाल के रखो, क्या पता कल आ जाए, अदरवाइज़ तुम चेंज कर लेना जो भी। तो मैं बहुत डिप्रेस थी कि मेरा मन था यही लेने का, क्योंकि गिफ्ट गिफ्ट होता है, अब हम अपनी पसंद से और वो सरप्राइज़ दो तो अलग ही बात होती है ना, तो फिर वही मैंने सोचा था पहनूंगी बट नहीं आई। और आज हम लोग इसको चेंज करने वाले थे, तो फिर मैंने एक बार ऐसे ही सोचा कि वो मैंने अगरबत्ती की तीली निकाली, मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, और मैंने ट्राई किया और लकीली ये मेरे कान में घुस गई दोनों, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इतनी खुश हो गई मैं कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाते हैं, अब मैं दिखा सकती हूँ कि मुझे क्या गिफ्ट मिला करवा चौथ में और क्या है। तो दिस वॉज माई करवा चौथ गिफ्ट, जो कि मुझे बेहद पसंद आया। बट एक सैड न्यूज़ ये है कि करवा चौथ वाले दिन भी मेरे हस्बैंड को बाहर जाना है, मतलब वो करवा चौथ से एक दिन पहले चले जाएंगे शाम को, और करवा चौथ की रात तक वापस आएंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं, तो ये बात है, तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता फिलहाल। फास्ट पूजा तो रात ही में होती है, मेन जो पूजा होती है, इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इतना और इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया कि अब मैं उनके ऊपर इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ वापस आ जाना। तो ये है मेरा करवा चौथ गिफ्ट, और वो मैंने साड़ी आपको दिखाया, उसके साथ मैंने बैंगल ली है पिंक कलर की, पिंक कलर का जो सेट आते हैं बने बनाए पूरे सेट, वैसा सेट लिया है, वो सेट मैं यहाँ पे साथ में पहन लूँगी और बस, तो फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। ये था मेरा करवा चौथ का, जो ये था एक सरप्राइज़ जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आज का ब्लॉग बनाया। और अगर आपको ये छोटा सा ब्लॉग, छोटी सी चीज़ अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप लोग को ये इयररिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और इस इयररिंग की वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया, इसकी वजह से इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तेजस बाय कर दो, ये तुम क्या कर रहे हो, हमेशा शैतानी करते रहते हो, से बाय, से बाय, नहीं यू से बाय 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 बाय, हमेशा की तरह शैतानी में बिजी है तेजस, है ना, है ना।
तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।